Namaskar and welcome to my channel. This channel is all about Kathak se related terms, practical, beginners. There is an entire playlist जिसमें मैंने theory deal की है और आप comment box में नीचे अपने जो भी theory related questions हैं उसे request कर सकते हैं और मैं requested videos time and again बनाती जाती हूँ. तो ये जो video है ये एक requested video है, of course theory related requested video है. इसमें मैं आपको एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दूंगी कि अभिनय क्या है. जब जनरली हम स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि अभिनय क्या है तो वो हमें अभिनय के प्रकार बताना चालू करते हैं कि भाई अभिनय चार प्रकार के होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक. यस, ऑफ कोर्स दिस इज राइट, बट अभिनय क्या है? टाइप्स ऑफ अभिनय नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं अभिनय एज सच क्या है. तो अभिनय जो है वो एक संस्कृत वर्ड है. अभि यानी टेकिंग समथिंग, नए यानी टू लीड. मतलब कोई एक इमोशन, कोई एक सिचुएशन, जब आप डांसर्स या हम डांसर्स उसको अपने आंगिक और सात्विक और आहार्य से दिखाते हैं और ऑडियंस को उसी इमोशंस को लेकर एक रस दिखाते हैं, एक रस की उत्पत्ति जिसे कहते हैं, ऑफकोर्स थोड़ा सा हाई फंडू वर्ड है, तो जब वो होती है और ऑडियंस भी वो फील करती है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो यू आर लीडिंग योर ऑडियंस टू समथिंग, टू वर्ड्स समथिंग, यानी लेकर जाना. अब जैसे अगर मैं कृष्ण बन गई पर मैं ऐसे करके खड़ी हो गई तो ना तो मैं कृष्ण दिखूंगी, ना सामने वाले को फील होगा कि ये कृष्ण बनी है. तो जब तक मैं ऐसे नहीं खड़ी होंगी तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा, वो फील कैसे करेंगे. तो यही चीज़ है कि जब हम डांसर ये कृष्ण दिखा सकते हैं, ये राधा दिखा सकते हैं, तो जब तक हम फील नहीं करेंगे और हम उस आइडियोलॉजी को या उस कॉन्सेप्ट को और उस इमोशन को वहाँ तक लेकर नहीं जाएंगे, विल नॉट लीड आर ऑडियंस टूवर्ड्स समथिंग, या जो स्टोरी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कैसे उन्हें फील होगा. सो अभिनय इज ऑल अबाउट योर एक्सप्रेशंस एंड ऑफ कोर्स राइटली सेड अभिनय चार प्रकार के होते हैं. आप अभिनय अपने आंगिक से दिखा सकते हैं, जैसे ये आंगिक हो गया, वाचिक से जब हम बोलते हैं जैसे तोड़े टुकड़े जो भी हम बोलते हैं, या कवित्व बोलते हैं, या तबले के बोल चल रहे हैं गत भाव में, धा दिन दिन दा, तो वो भी वाचिक में आता है, ऑफ कोर्स. सो एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ वाचिक. उसके बाद आहार्य, कि अगर जैसे हम राधा दिखा रहे हैं तो हम राधा रानी की तरह तैयार हो गए, हम कृष्ण दिखा रहे हैं तो कृष्ण की तरह तैयार हो गए, मोर पंख लगा लिया तो वो आहार्य के द्वारा दिखा दिया, या विष्णु बन रहे हैं तो हमने बड़े से मुकुट लगा लिया और हमने वो अस्त्र शस्त्र ले लिए जैसे हम देखते होंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. और लास्ट वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सात्विक, यानी हम उसे फील करें डेडिकेशन के साथ, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करें, अपना टाइम दें और उसे उभार कर लाएं तो सामने वाला उस चीज़ को ज़रूर फील करेगा. दिस इज इन सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि अभिनय क्या है. आई होप दिस हेल्प्स. ऑफकोर्स कथक की किसी भी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश करूँगी. आई होप दिस हेल्प्स. बाय.